शाहबाद सहकारी चीनी मिल में बने शुगर गोदाम में आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही मिल में अफरा तफरी का माहौल हो गया और तुरंत इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले मिल में बनी पानी की पाइपलाइन से आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू कर दिया गया था। कुछ समय बाद में मिल में अग्निशमन की गाड़ी पहुंची और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन फिर भी वहाँ पड़ी चीनी को नुकसान हुआ है। एमडी निर्मल नागर ने बताया कि इस गोदाम में करीब 5000 क्विंटल चीनी के 10000 कट्टे पड़े थे, लेकिन सौभाग्यवश आग पर समय रहते काबू पा लिया गया। आग लगी 5:15 के करीब। एक सूचना आई कि मिल के अंदर टेम्परेरी गोडाउन शेड में आग लग गई है। यहाँ आकर जो प्राइम ऑफिसर बताया है, इन्होंने वेल्डिंग का कारण बता रहे हैं। हाँ, रिपेयर पीछे बता रहे हैं। इसकी एक विस्तृत जांच की जाएगी। पहले तो हमेशा आग को काबू करने पर है, काबू कर लिया है हमने आग को। उसके बाद जांच की जाएगी, जो भी दोषी होगा उसको सख्त सजा दी जाएगी। कितना माल था इस ग्राउंड में? लगभग 5000 क्विंटल के करीब जो हमारा माल खराब हुआ है, उसकी अनुमानित संख्या अभी जुटाई जा रही है। आग पर नियंत्रण पा लिया गया है। किस तरह से जैसे हादसा हुआ है, इसके लिए भी प्रबंध किए हुए थे? अगर ऐसे लाइन में ऐसा कोई हादसा होते हैं, प्रबंध है मिल के अंदर? जो फायर सेफ्टी के अलावा जो प्रबंध है, पानी की पाइपलाइन थी, उससे पहले हमारा जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, उससे पहले हमारा स्टाफ इसको काबू करने में लगा हुआ था। और फायर ब्रिगेड की तो रिक्वायरमेंट है, वो भी आ गई है टाइम पे। अर्थ प्रकाश टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से कुलतार सिंह की रिपोर्ट।